हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए बी फैशन डिज़ाइनर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बेबी टॉप या फिर स्कर्ट कैसे बना सकते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेंथ ली है 11.5 इंच, यानी 11.5 इंच मैंने यहाँ पर लेंथ ली है। और यहाँ से मैंने शोल्डर्स रखे हैं 5 इंच, और यहाँ से मैंने आर्म होल के लिए 3 इंच कट किया है। देन यहाँ पर आप जितना भी आपको मेज़रमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो मैंने 6.5 इंच यहाँ से रखा है और 6.5 इंच यहाँ से रखा है, क्योंकि बच्चों की कोई ऐसी मेज़रमेंट तो होती नहीं है जिससे कि वो यहाँ पे राउंड शेप बन सकें, तो उनका सीधा ही जो है मेज़रमेंट रहता है। और गाइस, फिर मैंने यहाँ पर ये पट्टियाँ ली हैं, ये मैंने पट्टियाँ ली हैं 6 इंच की, 6 इंच की मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, और चौड़ाई में ये है 1.5 इंच। तो इनको आपको कर लेना है कुछ इस तरीके से, ऐसे फोल्ड, जिससे कि हम ऊपर में जो जो स्ट्रैप्स होती हैं उनको कर सकें, उनको अटैच कर सकें। ओके गाइस, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है। अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी में करेंगे तो अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको धीरे से फोल्ड करना है। और आप चाहें तो इस पर आयरन करके तब भी फोल्ड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे फोल्ड करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इनको फोल्ड कर लेना है। तो गाइस, ऐसे मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है, सेम ऐसे ही हम दूसरी वाली पट्टी को भी फोल्ड कर लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है। अब दोनों पट्टियों को रेडी करने के बाद हमें दोनों पट्टियाँ रेडी करने के बाद हमें अब ये टॉप वाला पार्ट लेना है, और इसमें हमें मेज़रमेंट करके यानी नाप का निशान लगा के यहाँ पर हमें इस साइड में भी और इस साइड में भी स्टिच लगा देनी है। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे दोनों साइड में सिलाई लगी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर फ्रिल अटैच करनी है, और फ्रिल के साथ साथ में हमें यहाँ पर ये ऐसे जो स्ट्रिप्स है वो भी अटैच करनी है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं ये कैसे अटैच होंगी। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ये एक पट्टी ली है और इसको मैंने राउंड शेप में कट किया हुआ है, यानी बिल्कुल सीधा कट नहीं किया है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए तब मैंने इसको कट किया है। और इसमें थोड़ा जॉइन भी लगा है, क्योंकि पूरा लंबा जो कपड़ा है हमें वो नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से। और अगर आपके पास पूरी लंबे लंबा कपड़ा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। ओके गाइस, अब जैसे मैंने ये बना लिया है, तो ये मैंने लिया है 2 इंच का, मैंने ये 2 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली है, और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं, जितना भी आपको फ्रिल बनाने का मन करे उतना। ओके गाइस, अब आपको ये एक साइड से ऐसे फोल्ड करनी है, बिल्कुल बारीक फोल्ड कर लेनी है। ओके गाइस, तो पूरी ये आपको फोल्ड कर लेनी है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने फ्रिल बना ली है और यहाँ पर मैंने स्टिच भी लगा ली है। ओके गाइस, स्टिच भी मैंने लगा ली है, देख सकते हैं आप। अब आपको यहाँ पर टॉप पार्ट को लेना है, देन उसको आपको यहाँ स्लीव से इसको ऐसे ओपन करना है। आपको ओपन करने के बाद यहाँ स्लीव से आपको इसको अटैच करते हुए जाना है, ऐसे आप एक कॉर्नर लेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे अटैच करेंगे। ओके गाइस,
अब देखिए गाइज, हमें पट्टी को यहाँ पर अटैच करना है। कैसे अटैच करेंगे? इस तरफ से हमें पट्टी को रखना है और यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ नीचे मैंने रखा है पट्टी को और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे स्टिच लगा देंगे। दो से तीन बार आपको ऐसे स्टिच लगा देनी है। और जो ये ओपन एरिया है इस पर भी आप ऐसे स्टिच लगा देंगे ऐसे करके। ओके गाइस, तो गाइस पूरे में मैंने स्टिच को लगा दिया है। अब आपने जहाँ पर भी स्टिच लगाई है वहाँ पर जो भी कॉर्नर बन रहे हैं वहाँ पर आपको कट्स लगाने हैं ताकि उसको आप अच्छे से पलट सकें। तो ये मैंने यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे कट्स लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप, ताकि मैं इसको पलटने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और इसमें कोई भी खिंचावट पैदा ना हो, तो इसीलिए मुझे इसमें पूरे में कट्स लगाने हैं। जहाँ पर भी आपको राउंड शेप दिख रही हो वहाँ पर। ओके गाइस, तो गाइस मैंने कट्स लगा दिए हैं ओवरऑल पूरे में। अब कट्स लगाने के बाद आपको इसको ऐसे बाहर की साइड ऐसे ओपन करना है एंड देन ओपन करके आपको यहाँ पर इस पर एक धार स्टिच लगानी है। ओके गाइस, तो चलिए पूरे में एक धार स्टिच को लगा देते हैं। आपको स्लीव्स के पास से धार स्टिच लगाना स्टार्ट करना है क्योंकि क्योंकि जो स्लीव्स का सॉरी सिलाई का एंड है वो यहीं पर आ जाएगा, तो ऐसे करना है आपको। देन पूरे में आपको एक धार स्टिच ऊपर में लगा देनी है। ओके गाइस, ऐसे करके आपको पूरे में स्टिच लगानी है। तो गाइस यहाँ पर मैंने पूरे में ऊपर की साइड में स्टिच को लगा दिया है। अब स्टिच को लगाने के बाद हमें ये नीचे वाला पोर्शन या तो फोल्ड कर लेना है और अगर आप इसमें फ्रिल लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसको फोल्ड कैसे करना है वो देख लीजिए। यहाँ से पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करने के बाद आपको इसको देखिए, अगर ये ऐसे फोल्ड नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, इसको कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। ओके गाइस, देन आप इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे। गाइस ये धागे निकलेंगे नहीं तो इसलिए मैं ऐसे ही इस पर स्टिच लगा रही हूँ। तो गाइस देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे सिलाई लग गई है। ओके गाइस, तो अब ये हमारा टॉप रेडी है। हम इस पर आयरन कर लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा।
ओके गाइस, और आप चाहे तो यहाँ पर कोई बटन या फिर कोई लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, तो वो भी प्यारी लगेगी। ओके गाइस, तो गाइस अब हम बनाएंगे स्कर्ट। तो अब हमें स्कर्ट को रेडी करना है। हमारी स्कर्ट बनने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर आने वाली है, तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ से स्टिच लगानी है, इधर में भी और इधर में भी, जो भी आपका ओपन एरिया है वहाँ पर। ओके गाइस, तो चलिए स्टिच को लगा लेते हैं। तो गाइस हमने दोनों साइड में स्टिच को लगा लिया है। अब स्टिच को लगाने के बाद हमें नीचे से इसको फोल्ड करना है। यहाँ नीचे से हमें इसको फोल्ड कर देना है। ओके गाइस, ऐसे करके देन ऐसे आपको इसको फोल्ड करना है। गाइज़ मैंने पूरी स्कर्ट में राउंड में स्टिच लगा ली है, देख सकते हैं आप, राउंड में मैंने स्टिच लगा ली है। अब हम स्कर्ट को ऐसे करके देखेंगे, देख सकते हैं गाइज़ आप नीचे कितना अच्छा फ्लेयर बनने वाला है। ओके गाइज़ देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, नीचे बहुत ही अच्छा फ्लेयर बनने वाला है। तो अब हमें यहाँ पर लगानी है, यहाँ पर लास्टिक अटैच करनी है। ओके गाइस, तो चलिए लास्टिक को अटैच करते हैं। गाइस जितना ये हमारा बेल्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक पट्टी ले ली है। ओके गाइस, इस पट्टी को हमें इसमें अटैच करना है, ऐसे अटैच करना है यहाँ से। और पूरे में सिलाई लगा देनी है। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने एक पतली सी इलास्टिक ली है और इस इलास्टिक को आपको इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करना है। ओके गाइस, और फिर आपको इस पर स्टिच लगानी है। कुछ ऐसे करके आपको इस पर स्टिच लगानी है। ओके गाइस, गाइस हमने जो बेबी बेबी गर्ल के लिए जो कपड़े बनाए थे, आई मीन ड्रेस बनाई थी, तो वो कुछ ऐसी है, देख सकते हैं आप। ये ऊपर टॉप है सिंपल सा, जिसको आप भी अच्छे से बना सकते हैं, और नीचे स्कर्ट है। और स्कर्ट में देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा फ्लेयर है, बच्चा पहन करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा अगर आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसा ही ड्रेस बनाएंगे तो। क्योंकि अभी तो वैसे भी जो है गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मियों में आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसी इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। और गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर देना हमारी वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।